इंग्लिश का जो ये चैप्टर है यूज़ ऑफ ऑन इन अंडर. अब देखिए ऑन इन अंडर का क्या कहाँ का इस्तेमाल किया जाता है. ऑन मीन्स होता है ऊपर, इन मीन्स अंदर, और अंडर मीन्स होता है नीचे. अब ये जो है कैटरपिलर, आप लोग फर्स्ट चैप्टर में इसका कैटरपिलर का पढ़ चुके हैं, सी फॉर कैटरपिलर. ठीक है, अ कैटरपिलर इज़ ऑन द बॉक्स. कैटरपिलर कहाँ है, बॉक्स के ऊपर है. देखिए यहाँ ऑन है, ऑन मीन्स ऊपर हो गया. द कैटरपिलर इज़ इन द बॉक्स. कैटरपिलर बॉक्स के अंदर है. इन मीन्स अंदर होता है, तो यहाँ इन है. उसी तरह यहाँ देखिए द कैटरपिलर इज अंडर द बॉक्स. कैटरपिलर बॉक्स के नीचे है, नीचे हो गया. उसी तरह यहाँ देखिए द कैट इज ऑन द मैट. बिल्ली चटाई के ऊपर है, तो ऊपर है तो हम ऑन लिखेंगे, ऊपर. द एप्पल्स आर इन द प्लेट. सेब प्लेट के अंदर है, तो प्लेट के अंदर सेब रखा हुआ है. द बॉयज आर अंडर द ट्री. लड़के पेड़ के नीचे हैं, अंडर हो जाएगा नीचे. उसी तरह आगे देखिए द क्रो इज़ ऑन द ब्रांच. कौआ ब्रांच के ऊपर है, डाली के ऊपर है ना, यहाँ बैठा हुआ. उसी तरह यहाँ है द पेंस आर इन द पेन स्टैंड. पेन स्टैंड के अंदर है. देखिए अब यहाँ इन हो गया, इन मीन्स होता है अंदर, ये अंदर है. उसी तरह यहाँ है द पप इज़ अंडर द स्टूल. कुत्ते का बच्चा कहाँ है, स्टूल के नीचे है. तो आपको याद रखना पड़ेगा ऑन मीन्स ऊपर होता है, इन मीन्स अंदर, और अंडर मीन्स नीचे. इसी तीन वर्ड्स का यूज़ किया है इसमें. अब आगे देखिए लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद इन ऑन एंड अंडर. ये पिक्चर्स को देखिए और ब्लैंक को फिल कीजिए, किससे, इन ऑन और अंडर से. अब यहाँ देखिए द बॉय इज स्लीपिंग डैश द बेड. लड़का कहाँ है, बेड के ऊपर सो रहा है, तो ऑन हो जाएगा. उसी तरह यहाँ है द मैन इज इन द बोट. आदमी कहाँ है, बोट के अंदर है. ठीक है, उसके बाद यहाँ हो जाएगा द बॉल इज़ अंडर द टेबल. बॉल का है, टेबल के नीचे है, तो अंडर मीन्स होता है नीचे. द डॉग इज़ अंडर द टेबल. डॉग कुत्ता टेबल के नीचे है, तो नीचे है तो यहाँ हम अंडर लिख देंगे. द मग इज़ इन द टब. मग टब के अंदर है. अंदर के लिए हम क्या रखेंगे, इन. बस आपको बस यही याद करना है, ऑन मीन्स ऊपर, इन मीन्स अंदर, और अंडर मीन्स नीचे. तो ये आपको फिल करना है, ये फिल कर लीजिएगा.